राइटिंग इज़ नॉट अ सिंपल एंड ईजीएस्ट टास्क। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कंटेंट राइटिंग बहुत आसानी से की जा सकती है, या फिर अगर आपने एक ही अटेम्प्ट में अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट करके दे दिया है, कोई आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाता है, या किसी भी टाइप की राइटिंग है, तो आप उसका एक ही दफ़ा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करके भेज देते हैं और आपके पास कोई खास स्किल्स नहीं है, आपने पहले कुछ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश नहीं किए हुए, या आपका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें बहुत सारी राइटिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके कंटेंट की रिजेक्शन हो सकती है इनिशियली। क्योंकि हम लोग एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि यू आर द परफेक्ट एंड यू आर द बॉस। इस्पेशली आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो आपको टीचर्स आपको जिस तरीके से गाइड करते जाते हैं और आप लोग उसी तरीके से चलते जाते हैं, और आपको ये लगता है कि हमसे ज़्यादा परफेक्ट इस दुनिया में कोई है नहीं। तो अगर हम लोग फ्रीलांसिंग या राइटिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है। पहले प्रॉपर्ली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं, या अगर आपने कहीं पे भी अपने राइटिंग के पीस को पब्लिश करना है तो आप उनके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेस पे आपके कंटेंट की वर्थ हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्टली बिगनर्स करते हैं, और उनको ये लगता है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन अल्टीमेटली क्लाइंट या जहाँ पे भी उन लोगों ने वो अपना कंटेंट पब्लिश करना होता है वहाँ से रिजेक्शन हो जाती है। तो चलें जी मूव करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशंस, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है हर जगह पे, लेकिन हमारे एजुकेशनल सिस्टम में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि जो लोग साइंस पढ़ते हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के फील्ड में जा रहे हैं, उनको इंग्लिश के साथ क्या लेना देना या कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप सक्सेसफुल हैं, तो ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होती, बल्कि आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जितने भी ये सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं, आपने देखा होगा मोस्टली ये लोग ग्रामरली की सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इसमें हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस आ जाते हैं, एक तो फ्री ग्रामरली की सर्विसेज को आप असेस कर सकते हैं, दूसरा उसमें प्रीमियम आ जाता है। तो प्रीमियम अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपने राइटिंग पीस में काफ़ी हद तक वहाँ पे चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये जो सेंटेंस था यहाँ पे कुछ वर्ड्स की रेपिटेशन हो रही थी, मैंने पंक्चुएशन वगैरह गलत लगाए हुए थे या नहीं लगाए हुए थे बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लोग अपने ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन को ही इम्प्रूव करते हैं तो आपकी राइटिंग में अच्छे खासे चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो है, मोस्टली लोग अपनी राइटिंग के पीस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन राइटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि आपने सिंपल और ईजी वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपने कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या अगले बंदे को रीडिंग करते टाइम उसमें डिफ़िकल्टी आए और वो समझ ना पाए कि इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपने कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स लैंग्वेज तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, बल्कि थोड़े से सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि जो भी रीडर है, जो भी बंदा उसको देख रहा है, उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, उसे समझ आए चीज़ें। तो आपने यहाँ पे कोई भी टेक्निकल वर्ड्स अगर यूज़ करने हैं ब्रैकेट में, या तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें या फिर आप उसका कोई अल्टरनेट और सिंपल वर्ड देखें कि आपने वहाँ पे किस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाते प्रॉपरली। ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, उसके बाद पहली दो तीन लाइन्स में आपने कुछ और लिख दिया, अगली लाइन्स में कुछ और लिख दिया, मतलब सेंटेंसेस का आपस में प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनाया जाता। तो ये जो कनेक्शन जब नहीं बन रहा होता, ये पुअर कनेक्शन, या वहाँ पे जब कॉन्टेक्स्ट डिवेलप नहीं हो रहा, तो रीडर की वहाँ पे बिल्कुल भी आप ये कह लें कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती और लोग उसको वहीं पे पढ़ना छोड़ देते हैं। और ये चीज़ भी अब मोस्टली जितने भी लोग पेपर्स लिखते हैं या रिव्यू पेपर्स वगैरह, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उनके रिजेक्शन की भी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि आप लोगों ने प्रॉपरली वहाँ पे किसी किस्म का कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया। इसके अलावा आप लोगों ने नॉन वर्बल वोकलाइजेशन इसमें यूज़ नहीं करनी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन का आपका एक स्टाइल होना चाहिए, कि ये ना हो कि आपने ऊपर कुछ और फैक्ट्स लिखे हैं उसके बाद आप नीचे जाके डायरेक्टली फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में आपने कुछ और लिख दिया है, थर्ड फोर्थ में आपने कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी है जिसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा। तो अगर आपने फर्स्ट लाइन में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड किए हैं या आपने कोई भी स्टेटमेंट दी है और उसके बाद आपने किसी और चीज़ को ऐड करना है, दरमियान में आप किसी चीज़ का लिंक ज़रूर बनाएं जो कि उन चीज़ों को आपस में जोड़ रहा होगा।
अब मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखना है या मैंने जिंक माल न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है, बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में लिखना है, तो इन चीज़ों को मैं देखने के लिए सबसे पहले ये करूँगी कि अच्छा पूरी दुनिया में इतने लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं, और या फिर पहले मैं ये लिख दूँगी कि जिंक की डेफिशिएंसी क्या चीज़ है, वो क्यों लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है, और उसके बाद नेक्स्ट ये बताया जाएगा कि इसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली उसकी स्ट्रेटजीज़ पे जाना शुरू कर देते हैं तो वो फोकस नहीं हो पाता और अल्टीमेटली ये चीज़ें बाद में बायोफोर्टिफिकेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पैसिव वाइज यूज़ नहीं करने, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का तकरीबन ये मैट्रिक एफएससी में और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाता है। पैसिव वाइज कम से कम आपका 10% हो सकता है, 10% से आप ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। अगर आप लोग अपने सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा पैसिव वाइज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये कंटेंट की क्वालिटी को पुअर बना देते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर आप लोगों ने देखना है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आ जाते हैं। कुछ इनडायरेक्ट सेंटेंसेस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और गूगल पे जितने भी आप लोग यहाँ पे जाके कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं उसके एसईओ वगैरह जब आप करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या उस गूगल फ्रेंडली उस कंटेंट को आपने बनाना होता है तो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पे रिजेक्शन आ जाती है, रेड कलर की लाइंस उसको हाईलाइट कर रही होती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। क्लियर होना चाहिए आपका मैसेज प्रॉपरली, इसमें किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और किसी भी किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। ये मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी वेबसाइट्स पे लीडिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ से डाटा उठाना है और उसके बाद में रेफरेंस भी ऐड करना है। सेंटेंसेस आप लोगों ने कभी भी प्रपोजिशंस के साथ एंड नहीं करने, और समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे होते, कहीं पे उन लोगों ने स्मॉल लेटर्स लिखे होते हैं, कहीं पे कैपिटल लेटर्स लिखे हुए होते हैं, तो आप लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे देखना है कि कौन सा लेटर ऐसा है, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है या स्मॉल करना है, तो इस अरेंजमेंट को प्रॉपरली देखना है। रेफरेंसेज आपके हमेशा से क्लियर होने चाहिए, और राइटिंग स्टेटमेंट में डिसएग्रीमेंट ना हो कि ऊपर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आपने कोई और बात ऐड की है और सेकंड में आपने कुछ और बात ऐड कर दी है और उनका आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स को रीड करता है जो कि आपकी राइटिंग की क्वालिटी को पुअर बनाते हैं और अल्टीमेटली आपकी राइटिंग रिजेक्ट होना शुरू हो जाती है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप लोगों ने करेक्ट ऐड करनी है, किसी भी किस्म की इनकरेक्ट वर्ब और फॉर्म्स अगर आप वहाँ पे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी खासी पुअर हो जाएगी। लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं बनाने, स्पेशली हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जब आप लोग एसेज वगैरह लिख रहे होते हैं तो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने का ट्रेंड होता है, तो मैक्सिमम आपने 3 से 4 लाइन्स में अपने पैराग्राफ्स को कवर करना है और इंट्रोडक्शन को आप लोगों ने प्रॉपर करना है। पुअर रिसर्च नहीं होनी चाहिए, जितने ज़्यादा आप डाटा लेटेस्ट और रेफरेंस्ड डाटा ढूंढ के ऐड कर सकते हैं आप उसको लाजमी ऐड करें और इसकी प्रॉपरली एडिटिंग करें। जितनी ज़्यादा एडिटिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अगर इसमें आप लोगों के कोई इश्यूज़ या क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ थविंदा थर।